ज्ञान लिटरेचर में आपका स्वागत है। हम आपको कृष्ण की नगरी द्वारिका के बारे में सारी चीजें बताएंगे। द्वारिका की स्थापना कैसे हुई, नष्ट कैसे हुआ और पुनः खोज कैसे हुई, और साइंस के हिसाब से हम आपको बताने जा रहे हैं। मथुरा से निकलकर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका क्षेत्र में पहले से स्थापित खंडोर हो चुके नगर क्षेत्र में एक नए नगर की स्थापना की थी। कहना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने लायक बनाया था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि द्वारिका नष्ट हो गई? किसने किया द्वारिका को नष्ट? क्या प्राकृतिक आपदा ने नष्ट हो गई द्वारिका? क्या किसी आसमानी ताकत ने नष्ट कर दिया द्वारिका को, या किसी समुद्री शक्ति ने उजाड़ दिया द्वारिका को? आखिर क्या हुआ कि नष्ट हो गई द्वारिका और फिर बाद में वो समुद्र में डूब गई? यह तो हम आपको एंड में बताएंगे कि इसका रहस्य जो आज तक कोई नहीं जानता है। इस सवाल की खोज के वैज्ञानिकों ने किया और उसके जवाब भी ढूंढे। सैकड़ों फीट नीचे समुद्र में उन्हें ऐसे अवशेष मिले हैं जिसके चलते भारत का इतिहास बदल गया है। अब इतिहास को फिर लिखे जाने की जरूरत बन गई है। इस सब के खुलासे से पहले जान लें कि इस क्षेत्र को, प्राचीन पृष्ठभूमि को पहले जान लें कि इस क्षेत्र के इतिहास को, तभी द्वारका के एक ऐसा रहस्य खुलेगा जो आप आज तक नहीं जान पाए। ययाति के 5 पुत्र थे, पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और ध्रुव। इन्हें वेदों में पंचनद कहा गया है। 7200 ईसा पूर्व अर्थात आज से 9200 वर्ष पूर्व ययाति के इन 5 पुत्रों का संपूर्ण धरती पर राज था। 5 पुत्रों ने अपने अपने नाम से राजवंशों की स्थापना की। यदु से यादव, तुवरसु से यवन, द्रुहु से बोझ, अनु से मलेच और पुरु से पौरव वंश की स्थापना हुई। इन 5 कुल के लोगों ने आपस में कई प्रसिद्ध लड़ाइयां लड़ी, जिसमें से एक दास राज्य का युद्ध और दूसरा महाभारत का युद्ध प्रसिद्ध है। पुराणों में उल्लेख है कि ययाति अपने बड़े लड़के यदु से रुष्ट हो गया था और उसे शाप दिया था कि यदु या उसके लड़कों को राजपद प्राप्त करने का सौभाग्य न प्राप्त होगा। ययाति सबसे छोटे बेटे पुरु को बहुत अधिक चाहता था और उसी को उसने राज्य देने का विचार प्रकट किया, परंतु राजा की सभा सदों ने ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए इस कार्य का विरोध किया। ययाति ने दक्षिण पूर्व दिशा में तुवरसु को, जो पंजाब से उत्तर प्रदेश तक था, पश्चिम में ध्रुव को और दक्षिण में यदु को और उत्तर में अनु को मांडलिक पद पर नियुक्त किया तथा पुरु को संपूर्ण भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त कर स्वयं वन को चले गए। यदु ने पुरु पक्ष का समर्थन किया और स्वयं मांडलिक पद से इनकार कर दिया। इस पर पुरु को राजा घोषित किया गया और वह प्रतिष्ठान के मुख्य शाखा का शासक हुआ। उसके वंशज पौरव कहलाए। अन्य 4 भाइयों को जो प्रदेश दिए गए उनका जो विवरण है मैं आपको बता देता हूं। यदु को चंद्रावती तथा चंद्रवंती, मतलब जो चंबल, बित्रवती और शुक्तिमती का तटवर्ती प्रदेश मिला। तुवरसु को प्रतिष्ठान के दक्षिण पूर्व का भूभाग मिला और ध्रुव को उत्तर पश्चिम का। गंगा जमुना 2 आब का उत्तरी भाग तथा उसके पूर्व के कुछ प्रदेश जिसकी सीमा अयोध्या राज्य से मिलती थी अनु के हिस्से में आया। यदि हम यादवों के क्षेत्र की बात करें तो आज के पाकिस्तान स्थित सिंध प्रांत और भारत इसे गुजरात का प्रांत है। इसके बीच का क्षेत्र यदु क्षेत्र कहलाता था। पहले राज्य का विभाजन नदी और वन क्षेत्र के आधार पर था। सरस्वती नदी पहले गुजरात के कच्छ के पास से समुद्र में विलीन होती थी। सरस्वती नदी के इस पार अर्थात विदर्भ की ओर गोदावरी नर्मदा तक, सरस्वती नदी के इस पार से लेकर उस पार सिंधु नदी के किनारे तक का क्षेत्र यदुओं का था। सिंधु के उस पार यदु के दूसरे भाइयों का क्षेत्र था। अब हम द्वारका का परिचय आपको करवाते हैं। कई द्वारों का शहर होने के कारण द्वारिका इसका नाम पड़ा। इस शहर के चारों ओर बहुत लंबी दीवारें थी जिसमें कई द्वार थे। वह दीवार आज भी समुद्र के तल में स्थित है। भारत के सबसे प्राचीन नगर में से एक है द्वारिका। ये 7 नगर है, द्वारिका, मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांची और अयोध्या। द्वारका को द्वारावती, कुशस्थली, अनार्तक, ओखामंडल, गोमती द्वारिका, चक्रद्वीप, अंतर्द्वीप, वारिद्वीप, वारिदुर्ग, फिर
उद्यमी स्थान भी कहा जाता है। गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित चार धामों में से एक धाम तथा सात पवित्र पुरियों में से एक पुरी है द्वारिका। द्वारिका दो है, एक गोमती द्वारका और दूसरा बेट द्वारका। गोमती द्वारका धाम है और बेट द्वारका पुरी है। बेट द्वारका के लिए समुद्र मार्ग से जाना पड़ता है। द्वारका का प्राचीन नाम कुशस्थली है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराजा रैवतज्ञ के समुद्र में कुश बिछाकर यज्ञ करने के कारण इस नगरी का नाम कुशस्थली हुआ था। यहाँ द्वारकाधीश का प्रसिद्ध मंदिर होने के साथ ही अनेक मंदिर और सुंदर मनोरम और रमणीय स्थान है। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने यहाँ के बहुत से प्राचीन मंदिर तोड़ दिए। यहाँ से समुद्र को निहारना बहुत सुखद लगता है। अभी कृष्ण द्वारका क्यों गए थे? कृष्ण ने राजा कंस का वध कर दिया तो कंस के जो ससुर थे मगधपति जरासंध ने कृष्ण और यदियों का नामों में शान मिटा देने की ठान रखी। वो मथुरा और यादवों को बार बार आक्रमण करता रहा। उसके कई मलिच्छ और यवनी मित्र राजा थे। अंततः यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया। विनीता के पुत्र गरुड़ की सलाह एवं ककद्रुमी के आमंत्रण पर कृष्ण कुशस्थली आ गए। वर्तमान द्वारिका नगर कुशस्थली के रूप में पहले से ही विद्यमान थी। कृष्ण ने इसी उजाड़ हो चुकी नगरी को पुनः बसाया। कृष्ण अपने 18 नए कुल बंधुओं के साथ द्वारिका आ गए। यही 36 वर्ष राज करने के बाद उनका देहावसान हुआ। द्वारका के समुद्र में डूब जाने और यादव कुलों के नष्ट हो जाने के बाद कृष्ण के प्रपौत्र वज्र तथा वज्रनाव द्वारका के यदुवंश के अंतिम शासक थे, जो यदुओं की आपसी लड़ाई में जीवित बच गए। द्वारका के समुद्र में डूबने पर अर्जुन द्वारिका गए और वज्र और शेष बची यादव महिलाओं को हस्तिनापुर ले आए। कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को हस्तिनापुर में मथुरा का राजा घोषित किया। वज्रनाभ के नाम से मथुरा क्षेत्र को ब्रज मंडल कहा गया। अब द्वारिका के इन समुद्री अवशेषों को सबसे पहले भारतीय वायुसेना के पायलट ने समुद्र के ऊपर से उड़ान भरते हुए नोटिस किया था और उसके बाद 1970 के जामनगर के गजेटियर में इनका उल्लेख किया गया। इसके बाद से इन खंडों के बारे में दावों प्रतिदावों का दौर चल पड़ा। बहरहाल जो शुरुआत आकाश से वायुसेना ने की थी उसकी सच्चाई भारतीय नौसेना ने सफलतापूर्वक उजागर कर दिया। एक समय था जब लोग कहते थे कि द्वारका नगरी एक काल्पनिक नगर है, लेकिन इस कल्पना को सब साबित कर दिया आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर आर एस आर राव ने। प्रोफेसर राव ने मैसूर विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के बाद बड़ौदा में राज्य पुरातत्व विभाग ज्वाइन कर लिया। उसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग में काम किया। प्रोफेसर और उनकी टीम ने 1979-80 में समुद्र में 560 मीटर लंबी द्वारका की दीवार की खोज की। साथ ही उन्हें वहां पर उस समय के बर्तन भी मिले जो 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के भी कई अवशेष उन्हें खोजे। उस जगह पर भी उन्होंने कोई खुदाई में कई रहस्य खोले जहां पर कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। पहले 2005 फिर 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशन में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में समाई द्वारिका नगरी के अवशेषों के नमूनों को सफलतापूर्वक निकाला। उन्होंने ऐसे नमूने एकत्रित किए जिन्हें देखकर आश्चर्य होता है। 2005 में नौसेना के सहयोग से प्राचीन द्वारका नगरी से जुड़े अभियान के दौरान समुद्र की गहराई में कटे छटे पत्थर मिले और लगभग 200 नमूने एकत्रित किए गए। गुजरात में कच्छ की खाड़ी के पास स्थित द्वारका की नगर समुद्र तटीय क्षेत्र में नौसेना के गोताखोरों की मदद से पूरे विशेषज्ञों ने व्यापक सर्वेक्षण के बाद समुद्र के भीतर उत्खनन कार्य किया, जहां पड़े चूना पत्थरों के खंडों को भी ढूंढ निकाला। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के समुद्री पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन दुर्लभ नमूनों को देश विदेशों का पूरा प्रयोगशाला को भेजा। मिली जानकारी के मुताबिक ये नमूने सिंधु घाटी सभ्यता से मेल नहीं खाते, लेकिन ये इतने प्राचीन थे कि सभी दंग रह गए। नौसेना के गोताखोर ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में यह उत्खनन किया और वहां पड़े भवनों के खंडों के नमूने एकत्रित किए, जिन्हें आरंभिक तौर पर चूना पत्थर बताया गया। पुरातत्व विशेषज्ञ ने बताया कि यह खंड
बहुत ही विशाल और समृद्धशाली नगर और मंदिर के अवशेष हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक एके सिन्हा के अनुसार द्वारका में समुद्र के भीतर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी खुदाई की गई और 10 मीटर गहराई तक गए इस उत्खनन में सिक्के और कई कलाकृतियां भी प्राप्त हुई। इस समुद्री उत्खनन के बारे में सहायक नौसेना प्रमुख ने बताया था कि इस ऐतिहासिक अभियान के लिए उनके 11 गोताखोरों को पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्रशिक्षित किया और नवंबर 2006 में नौसेना के सर्वेक्षक पोत ने इस समुद्री स्थल का सर्वे किया। इसके बाद जनवरी से फरवरी के बीच नौसेना ने गोताखोरों तमाम आवश्यक उपकरण और सामग्री लेकर उन दुर्लभ अवशेषों तक पहुंच गए। अवशेषों की प्राचीनता की वैज्ञानिकता अध्ययन होने के बाद देश के समुद्री इतिहास और धरोहर का तिथि क्रम लिखने के लिए आरंभिक सामग्री इतिहासकारों को उपलब्ध हो गई। इस उत्खनन के कार्य के आंकड़ों को विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के सामने पेश किया गया। इन विशेषज्ञों में अमेरिका, इसराइल, श्रीलंका और ब्रिटेन के विशेषज्ञ भी शामिल हुए। इन नमूनों को विदेशी प्रयोगशालाओं में भेजा गया ताकि अवशेषों की प्राचीनता के बारे में किसी प्रकार की त्रुटि का संदेश नहीं रहे और वो संदेश समाप्त हो जाए। अभी कितनी प्राचीन है द्वारका? द्वारका पर जो ताजा शोध है, 2001 में सरकार ने गुजरात के समुद्री तटों पर प्रदूषण के कारण हुए नुकसान का अनुमान लगाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा एक सर्वे को कहा। जब समुद्री तलहटी की जांच की गई तो सोनार पर मानव निर्मित नगर पाया गया, जिसकी जांच करने से पाया गया कि यह नगर 32,000 वर्ष पुराना है तथा 9,000 वर्षों से समुद्र में विलीन है। यह बहुत ही चौंका देने वाली जानकारी थी। माना जाता है कि 9,000 वर्षों पूर्व हिम युग की समाप्ति पर समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण यह नगर समुद्र में विलीन हो गया होगा, लेकिन इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं। अभी द्वारका नगर कैसे नष्ट हो गई? वैज्ञानिकों के अनुसार जब हिमयुग समाप्त हुआ तो समुद्र का जल स्तर बढ़ा और उसमें देश दुनिया के कई तटवर्ती शहर डूब गए। द्वारका भी उन शहरों में से एक था। लेकिन सवाल यह उठता है कि हिमयुग तो आज से 10,000 वर्ष पूर्व समाप्त हुआ। भगवान कृष्ण ने तो द्वारका का निर्माण आज से 5,300 वर्ष पूर्व किया था। तब ऐसे में इसका हिमयुग के दौरान समुद्र में डूब जाने की थ्योरी आधी सच लगती है। लेकिन बहुत ही पुराणकार और इतिहासकार मानते हैं कि द्वारका को कृष्ण के देहांत के बाद जानबूझकर नष्ट किया गया था। यह वह दौर था जबकि यादव लोग आपस में भयंकर तरीके से लड़ रहे थे। इसके अलावा जरासंध और यवन लोग भी उनके घोर दुश्मन थे। ऐसे में द्वारका पर समुद्र के मार्ग से आक्रमण हुए और आसमानी मार्ग से भी आक्रमण किया गया। अंततः यादवों को उनके चित्र को छोड़कर फिर से मथुरा और उसके आसपास शरण लेनी पड़ी। हाल ही की खोज से सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि यह वह दौर था जबकि धरती पर रहने वाले एलियंस का आसमानी एलियंस के साथ घोर युद्ध हुआ होगा, जिसके चलते यूएफओ ने उन सभी शहरों को निशाना बनाया होगा जहां पर देवता लोग रहते थे या जहां पर देवताओं के वंशज रहते थे। हालांकि ये वाली मानने वाली बात नहीं लगती है। धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।